शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोज्जनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल ए आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हमारा ये जो शाम का सेशन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे ये 7 बजे के सेशन से सभी लोग को डॉक्टर नवीन जोशी सर को थैंक यू बोलना चाहिए कि सर ने 7 बजे का सेशन रखा है, क्योंकि इसी सेशन की वजह से बहुत सारे लोग ने MD का जो एग्जाम है एंट्रेंस वो क्लियर किया, बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस बढ़ गई। ये 7 बजे का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जो अभी चर्चा होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने कल बात प्रधान शिरशूल इस पे चर्चा किया था, अभी पित्त प्रधान शिरशूल इस पे करेंगे। और ये सेशन जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग मतलब कोई भी चिकित्सा के लिए आयुर्वेद के जो चिकित्सक है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो चर्चा होती है वैसी चर्चा कहीं पर भी नहीं होती है ओपनली। बाकी सब तो सेशन होते रहेंगे लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रैक्टिकल सब चीज सिखाया जाता है। अभी हम लोग मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूँ, जो अनावश्यक बात आवाज आ रही है ना वो पहले ना आए, और जब मैं बोलूंगा तब आप लोग अनम्यूट करके फिर बात करिएगा। तो पित्त शिरशूल के जब पेशेंट आते हैं ना तो एक तरह से ये माइग्रेन का पेन होता है ऐसे बोलते हैं पेशेंट, और पित्त प्रधान विकारों में ये लक्षण मिलते हैं कि जितने भी पित्त के विकार हैं उसमें ये हेडेक मिलता है और इसमें अवस्था भी सामावस्था रहती है। आम जरूर रहेगा और तभी हेडेक होगा पित्त वाला। इसमें और क्या क्या संबंधित व्याधियां हो सकती है या संबंधित लक्षण क्या क्या हो सकते हैं उसको ध्यान से सुनिए कि जब भी हेडेक होगा तो आंखों में बर्निंग होगा, जिसको हम बोलेंगे नेत्रदाह चक्षुदाह, ऐसा सिम्टम होता है। आप लोगों को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हुए आना चाहिए कि वात प्रधान शिरशूल है तो किस तरह का वेदना हो रहा है, पित्त प्रधान है तो कैसे हो। तो इसमें जब आंखों में बर्निंग हो रहा है, जलन हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि लाल मिर्ची लगा दी आंखों में, कुछ जलन हो रहा है अजीब तरह का, तो ये पित्त प्रधान शिरशूल है। उसी तरह से ऐसे लगता है कि सिर में शून्य हो गया और ऐसा लगता है कि चींटियां काट रही हैं, ऐसा फीलिंग जब होता है, टिंगलिंग जिसको बोलते हैं, ऐसा फीलिंग होता है। फिर उसके बाद में ऐसा लगता है कि किसी ने पीट दिया है सर में, ना पत्थर की तरह कोई मार रहा है, हथौड़े की तरह मार रहा है, इस तरह का पेन होने लगता है। फिर चक्कर आता है बहुत ज्यादा, भ्रम जिसको बोलते हैं, वह चक्कर आ रहा है, नींद नहीं आती है, अनिद्रा की अवस्था रहती है और उबकाई आती है, मतलब नौशिया फीलिंग होता है, जी मिचलाता है कि उल्टी हो जाएगी और पित्त के खट्टे ढकार भी आते हैं, तब ये सोचिए कि पित्त प्रधान ये शिरशूल है। फिर इसी तरह से फीवर भी आ जाता है कभी कभी, पित्त शिरशूल में ज्वर भी रहता है, तब आपको ये पता चल जाएगा कि ये वात प्रधान नहीं है। शूल ये व्याधि या लक्षण ये वायु की वजह से होता है, लेकिन इसमें अनुबंध रूप से पित्त रहता है तो ये बर्निंग वाला जब रहता है, दाह होना, फिर उसके बाद में चक्कर आना, उल्टी होने जैसा मन होना, नौशिया फीलिंग होना, तो ये पित्त शिरशूल है। अब ये और भी व्याधियों के लक्षण के स्वरूप में भी हो सकता है, जैसे कि मेंसेस के टाइम पे हो सकता है या फिर कोई सर्जरी के वजह से पित्त बढ़ा है, एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा गया उसकी वजह से हो सकता है, रात्रि जागरण की वजह से हो सकता है, कोई भी कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा एलोपैथी की दवाइयां या आयुर्वेद की भी बहुत ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण दवाइयां खा लिया उसकी वजह से भी पित्त अगर प्रकोपित हो गया, या शरद ऋतु में पित्त ज्वर का काल होता है उस टाइम पे भी ये होता है।
तो आपको ये डायग्नोसिस करते हुए आना चाहिए कि पित्त शिरशूल है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले पित्त दोष की दृष्टि रहती है, उसके बाद में वात दोष और कफ दोष की रहती है। धातु इसमें देखेंगे तो रस धातु की इसमें विकृति रहती है शिरशूल में, और मल में देखेंगे तो मूत्र और पुरीष स्वेद का इसमें इन्वॉल्वमेंट उतना डायरेक्ट नहीं होता है। अगर पित्त ज्वर भी है तो स्वेद प्रवृत्ति होगी, लेकिन मतलब उतना नहीं हो गया, और स्वेद को कंसिडर नहीं किया है, मूत्र और पुरीष इसको कंसिडर किया गया है। उसके बाद में अब इसमें स्त्रोतस अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें स्त्रोतस कौन से इन्वॉल्व रहते हैं पित्त शिरशूल में, महास्त्रोतस जो जीआईटी ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, अन्नवाह स्त्रोतस ये इन्वॉल्व रहते हैं, प्राणवाह स्त्रोतस भी इन्वॉल्व रहते हैं। और इसमें शारीर अगर देखेंगे तो अपने जत्रु भाग के ऊपर का भाग मतलब पूरा हेड जो है वो पूरा इन्वॉल्व रहता है। इसमें संबंधित अवयव क्या क्या हो सकते हैं अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो इसमें पित्ताशय मतलब जो गॉल ब्लैडर है उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पक्वाशय का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मूत्राशय का भी, पूरा यूरिनरी सिस्टम की वजह से भी, वहां पर कोई भी संप्राप्ति है उसके वजह से भी पित्त शिरशूल हो सकता है। जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे तो अपेंडिसाइटिस में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होना वो भी हो सकता है, मूत्राशय में अगर किडनी स्टोन होता है तो भी वहां तो पेन हो ही रहा है लेकिन हेडेक भी होता है, कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि यूरिनरी सिस्टम का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पकवाशय का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पूरा इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो हो सकता है, या फिर गॉल ब्लैडर और जो पित्त धरा कला है उसमें दुष्टि, इसके वजह से भी पित्त शिरशूल हो सकता है। अब इसमें चिकित्सा की क्या दिशा होनी चाहिए, तो इसमें शोधन होना चाहिए। अगर जैसे कि अम्ल पित्त है, ऊर्ध्वगामी अम्ल पित्त है या अधोगामी अम्ल पित्त है, हाइपर एसिडिटी का कंडीशन है, ऐसा ऊर्ध्व ऊपर की तरफ से आने वाला हाइपर एसिडिटी है तो उसको ऊर्ध्वगामी अम्ल पित्त बोलते हैं, अगर नीचे की तरफ से जाने वाला है तो अधोगामी अम्ल पित्त बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें शोधन कराना, बहुत ज्यादा दोष बढ़े हैं तो शोधन कराना, तो उसमें वमन कराएं या विरेचन कराएं। फिर उसके बाद में शमन चिकित्सा, अब शमन चिकित्सा में मैं आगे बहुत सारी दवाइयां बताऊंगा। तो पित्त अगर दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जता जिता लंघन पाचने ये तो संशोधने तेषां न तेषां पुनरुद्भवः, मतलब अगर दोष थोड़ा सा कुपित होते हैं तो हम लोग लंघन पाचन दीपन इन सब से ठीक करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दोष होते हैं तो हमें संशोधन करना पड़ता है, दोषों को बाहर निकालना होता है। और जो रास्ता पास पड़ता है, जैसे अगर ऊपर ऊर्ध्वगामी पित्त है तो हम उल्टी करा देते हैं, अधोग है तो हम नीचे से विरेचन करा देते हैं, ये होता है। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि वमन वमन कराना और सौम्य विरेचन कराना। सौम्य विरेचन का मतलब है कि शरीर को तकलीफ ना हो, इतना ज्यादा तीक्ष्ण विरेचन नहीं देना है कि इच्छा वेदी रस हो गया, अश्वगंध की हो गया, कि पेट में डिहाइड्रेट हो गया, बहुत ज्यादा वीकनेस है, पेट में दर्द होने लगा, ऐसा नहीं देना है। शिरशूल जब होता है तो सौम्य विरेचन देना है, तो या तो मनुका को भिगो के रख दीजिए, या त्रिविध दे दीजिए, त्रिफला दे दीजिए, हरित की दे दीजिए, गंधर्वहित की दे दीजिए, अभ्यादि मोदक दे, मतलब सौम्य विरेचन होना चाहिए। फिर कभी कभी ये हम वमन करने से विरेचन करने से, फिर इसमें एक बार नस्य भी देना पड़ता है कभी कभी, तो इसमें दूध का नस्य, स्त्री दूध का जो रहता है, स्त्री स्तन्य का जो नस्य रहता है वो अक्षी रोगों में भी अच्छा काम करता है, शिरशूल में भी काम करता है। इसी तरह से जो पित्त शामक द्रव्य है, चंदन मला लाक्षादी तेल हो गया, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जिनका नस्य पित्त शमन के लिए करते हैं, तो जो पित्त जन्य शिरशूल है माइग्रेन है उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से अगर हमने वमन कराया, विरेचन कराया, नस्य कराया, बस्ती कराया, उससे भी फायदा नहीं हो रहा है, तब यहाँ पर हमेशा कंसिडर करिए कि यहाँ पे रक्त की दुष्टि है, तब वहां पर हमें जलौका से या सिरावेद से सिर में जहां पर ज्यादा पेन हो रहा है वहां की सिरा को पकड़ के और वहां से अशुद्ध रक्त निकालना चाहिए। जब हम रक्त मोक्षण करते हैं तो बहुत बार फायदा हो जाता है और परमानेंट फायदा होता है, फिर वो सिर दर्द होता ही नहीं है। उसी तरह से हमें कभी कभी ब्रेहण चिकित्सा भी करना पड़ता है, मतलब कुछ कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं कि धातु क्षयात्मक होता है, पित्त भी उसमें अनुबंध से दूषित होता है और वायु का भी प्रकोप होता है, धातु क्षय हो जाते हैं। अभी कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे सेरेब्रल एट्रोफी हो गया, सेरेबेलम एट्रोफी हो गया, तो वहां पर भी वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लिया, क्रोध में बहुत ज्यादा है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको क्या हो गया था कि उन्होंने इतना ज्यादा क्रोध किया, कंटिन्यू 2 घंटे अपनी वाइफ और अपनी मम्मी पे गुस्सा कर रहे थे, तो हम बोलते हैं क्रोधात पित्तम, उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, और उसके बाद में इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया, कंटिन्यू चिल्लाते रहे चिल्लाते रहे, और उसके बाद में उनको ना पाइल्स हो गया, वो भी 4th डिग्री का, रात को ही हो गया। तो वो दिल्ली से पुणे में,
तो मेरा नया नया प्रैक्टिस था, मैंने अपने सर से पूछा, जमद अग्नि सर से, कि सर इन्होंने 2 घंटा गुस्सा किया और उसके बाद में इनका बीपी बहुत हाई हुआ और उसके बाद में इनको पाइल्स हो गया 4th डिग्री का, तो इसको हम कैसे समझे और क्या करना चाहिए। तो सर ने कहा कि अच्छा हुआ कि उसको पाइल्स हो गया, अगर वो पाइल्स नहीं होता, इतना पित्त एग्रेवेट हुआ था उसका कि उसको पैरालिसिस हो सकता था, मतलब ब्रेन की रक्तवाहिनी फट सकती थी इतना। और उन्होंने ये भी बताया कि मुझे हेडेक भी हो रहा था, तो मैंने उनको कहा कि आपने क्रोध क्यों किया इतना ज्यादा, और किया तो इतना टाइम के लिए कंटिन्यू क्यों गुस्से में रहे आप। तो फिर बाद में मैंने पाइल्स का इलाज किया, उनको मैंने कहा कि आप हमेशा मेडिटेशन करिए, क्रोध नहीं करना है, जब क्रोध है तो आप वहां से टॉपिक चेंज करके चले जाइए। तो ये जो है ना कि रक्त की दुष्टि, पित्त की दुष्टि, ये बहुत ज्यादा हो जाती है, क्रोधात पित्तम, क्रोध करना ये कारण होता है शिरशूल का। तो इसमें हमें कभी कभी, और ये ज्यादा बढ़ जाता है कभी कभी, तो वहां पे धातु क्षय की संप्राप्ति हो जाती है और पेशेंट बहुत ज्यादा क्रोध में रहे, बहुत ज्यादा मन में सोचते रहे, किसी के प्रति द्वेष रहे बहुत ज्यादा, तो पूरा अपने बॉडी में, एलोपैथी भी साइंस भी बोलता है कि निगेटिव हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कैटेकोलामाइंस, निगेटिव केमिकल सिक्रेट होते हैं, और उसकी वजह से माइंड में डिस्टर्बेंसेस होता है। और आयुर्वेद बोलता है कि ये जो काम शोक भयाद वायु क्रोधात पित्तम, और जब हम बोलते हैं कि धारणीय वेग, हमें मन के वेगों को रोकना चाहिए, उनको धारण करना चाहिए, जैसे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मद मात्सर्य, इसको रोकना चाहिए, मतलब वहां ध्यान न जाए। अगर धारण नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं क्रोध को, या फिर हम शोक को नहीं रोकेंगे, तो मानसिक विकार हो जाते हैं, और अगर आपके मन में है तो उसको निकाल दीजिए कहीं, लेकिन आप अपने मन में मत रखिए। मन में रखेंगे तो फिर व्याधियां होती है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको फाइब्रॉइड होता है, पीसीओडी होता है, उसमें मानसिक कारण होता है, इनफर्टिलिटी होता है, ट्यूबल ब्लॉक होता है, उसमें मानसिक कारण जरूर रहता है। तो वही क्रोध को हमें ना निकाल देना चाहिए। अब वो निकालने के लिए या तो आप मेडिटेशन करके उसको शांत कर दीजिए, या फिर क्रोध है किसी से, मतलब किसी से बहुत ज्यादा रेज है, बहुत ज्यादा नफरत है, गुस्सा है, तो उसको कहीं और निकाल देना चाहिए, अगर नहीं निकालेंगे तो शरीर को नुकसान करेगा। अब इसमें बृहन चिकित्सा करना बहुत जरूरी होता है, तो कुष्मांडावलेह और फिर ब्राह्मी घृत और जो पित्त शामक द्रव्य, दाढ़ी मदि घृत, शतावरी घृत, ऐसे द्रव्य देके हमें बृहन चिकित्सा भी करना पड़ता है, जो पित्त का और वायु का शमन करे, तब माइग्रेन में बहुत अच्छा फायदा होता है। अब इसमें गुरुकुल पारंपरिक उपचार में क्या देते हैं, तो अगर बहुत ज्यादा शिराशूल हो रहा है, हेडेक हो रहा है कोई भी कारण की वजह से, तो सिर पे गुलाब का जो पानी होता है उसको कॉटन के स्वैब में ऐसे भिगो के और सिर पे रखना चाहिए, तो इससे पित्त का जो दाह वगैरह जन्य जो शिराशूल हो रहा है वह कम हो जाता है। इसके बाद में नाक में अच्छा गाय का शुद्ध घी, उसका नस से लेना चाहिए, अगर 4-4 ड्रॉप डाले या 8-8 ड्रॉप डाले, जितना आप ले सकते हैं उतना डालने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से विरेचन कराने के लिए इसमें त्रिफला का प्रयोग करें, आरगवत जो स्तनसन कार्य करता है, आरगवत की मज्जा का क्वाथ बना के पिए, फिर मनुका किशमिश जो होता है वह थोड़ा भिगो के रखें और वो रात को खा लें, सुबह पेट साफ हो जाएगा, पित्त निकल जाएगा, या गुलाब का कली जो रहता है या गुलकंद रहता है वह अगर खा लें तो हेडेक में इमीडिएट फायदा होता है, या प्रवाल पिष्टी है, या फिर प्रवाल पंचामृत है, गोदुग्ध भावित, मौक्तिक भस्म है, कपर्दिक भस्म है, जो भी पित्त शामक जो क्षार है अपने सुधा वर्ग, मतलब ऐसे क्षार जो पित्त का शमन करते हैं और पित्त को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अगर द्रव गुण से बड़ा हुआ है तो जैसे प्रवाल है, मुक्ता है, शुक्ति है, कपर्दिका है, ऐसे जो भी सुधा कल्प है ना जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है और वो क्षार भी होते हैं, तो पित्त अगर अम्ल गुण से बड़ा हुआ है तो क्षार जब हम देते हैं तो वो न्यूट्रलाइज करके जरूर हेडेक को कम कर देता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है पित्त की वजह से, अम्ल पित्त की वजह से, तो प्रवाल पंचामृत की गोलियां चूसने को दे दिया, अपने आप पित्त भी कम हो जाता हैडेक भी बंद हो जाता है। उसी तरह से दूध का सेवन कराएं, घी का सेवन कराएं, तो विरेचन के लिए जो बोलते हैं दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि, दूध है या मूत्र है, गोमूत्र वगैरह है तो उससे विरेचन होता है, तो यहाँ पर दूध का अगर सेवन करें तो हेडेक कम हो जाता है। अगर अपने आप उल्टी हो रहा है तो आए हुए वेग को रोकना नहीं है, वह उंगली डाल के आप पानी पी के और उल्टी कर दीजिए, तो इससे बहुत अच्छा हेडेक में फायदा होता है। और कुछ लोग जो रहते हैं जिनको ये रहता है कि ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ा भी पेट्रोल डीजल का स्मेल सूंघ लिया तो उनको उल्टी आने लगता है, तो ऐसे में भी उल्टी कर लेना, उल्टी हो भी जाती है, उल्टी कर लेना ही चिकित्सा रहती है। उसी तरह से शमन चिकित्सा में लघु सूर्य का रस, आरोग्यवर्धिनी वटी को दूध के साथ सुबह शाम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, और अगर सुबह देना चाहे तो भूखे पेट देने से बहुत अच्छा फायदा होता है।
साथ में रात को सोते टाइम 1 कप दूध में 1 चम्मच घी, ऐसा बोला जाता है कि शीर घृताभ्याम अभ्यासम रसायनानम श्रेष्ठा। हर रोज जो भी घी और दूध का सेवन जो लोग करते हैं वो रसायन में सर्वश्रेष्ठ बताए। तो इसीलिए आप लोगों की लाइफ में कभी कोई बीमारी ना हो और आपका आयुष्य बढ़े, इसलिए आप दूध और घी का सेवन जरूर करें मिक्स करके। तो इसमें पित्त शिरोषण में लेना भी बहुत हितकारी होता है, ग्रहण भी करता है, पित्त का भी शमन करता है और हर चीज के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इसी तरह से अगर पेट साफ नहीं होता है तो रात को त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच घी के साथ मिक्स करके लें। पेशेंट के कोष्ठ के हिसाब से डोज बढ़ा भी सकते हैं, 4 चम्मच भी ले सकते हैं, 2 चम्मच भी ले सकते हैं या 1 चम्मच भी ले सकते हैं, कोष्ठ के हिसाब से कि उसको कितना कॉन्स्टिपेशन रहता है, कितना रुक्षता है उस हिसाब से। इसी तरह से अगर नींद नहीं आ रही है और हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई बात का कुछ गुस्सा आया है किसी के प्रति, किसी ने आके आपका अपमान कर दिया और क्रोध है और आप बहुत रात तक सो नहीं पाए हैं, तो ऐसे में निद्राकर वटी का प्रयोग करना है दूध के साथ, तो उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अगर धूप में जाके आए और हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं धूमोपघात, ऐसा नहीं धूमोपघात नहीं बोलेंगे, आतप सेवन, ऐसा अगर हो गया धूप में जाकर आए और हेडेक हो रहा है तो धनिया को भिगो के और पानी पीने से तुरंत ही फायदा हो जाता है। अगर कोई बीमारी की वजह से अगर हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उसमें हमें वो हेतु देखना है, क्या मेडिसिन चल रहा है उसको देखना है, और शमन करने के लिए अब चक्कर भी आ रहा है और हेडेक भी हो रहा है, भ्रम भी है और हेडेक भी है, तो चंद्रकला रस, लघु सूर्यशेखर रस या सूर्यशेखर रस या स्वर्ण सूर्यशेखर रस, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अगर अम्ल पित्त बहुत है तो अम्ल पित्तांतक रस, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। लीला विलास रस या फिर यह कामदुधा रस, गैरिक भस्म, फिर प्रवाल पंचामृत, सूर्यशेखर रस, लघु सूर्यशेखर रस, इन सब का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य, जैसे शतावरी का सेवन कराएं, शतावरी कल्प का दूध के साथ सेवन कराएं। तिक्त रसात्मक में इतनी सारी दवाइयां हैं, जैसे कि रस पाचक है, रक्त पाचक है, पटोलेन्द्र, कुटकी, धमासा, जो भी तिक्त रसात्मक द्रव्य है वह भी पित्त का शमन करता है, उसका प्रयोग करें। और आर्तव काल में अगर ऐसा हेडेक हो रहा है, मेंसेस के टाइम हो रहा है, तो गोक्षुर आदि गुगुल और लघु सूर्यशेखर रस 3-3 गोली सुबह शाम देने से जो हेडेक हो रहा है पित्त का वह ठीक हो जाता है। इसी तरह से ग्रंथों में क्या क्या बताया है, पित्तजन्य शिरशूल में मौक्तिक भस्म बताया है, बहुत अच्छा काम करता है, मोती का भस्म या मोती की पिष्टी। पिष्टी कैसे बनाते हैं आप लोगों को मालूम है कि चंद्र के प्रकाश में गुलाब जल की भावना देकर और उसको अमृतीकरण किया जाता है, तो वो पिष्टी बन जाता है, वो सौम्य होता है, उसको आप छुएंगे तो भी ठंडा लगेगा, इतना वो मौक्तिक पिष्टी इतना अच्छा रहता है। तो पित्त का तुरंत ही शमन करता है। कहीं पर भी वराइसेस हो, जैसे कि पोर्टल वेन का वराइसेस हो या कहीं पर भी ऐसे वराइसेस जैसे पैथोलॉजी रही है, तो मौक्तिक पिष्टी जो रहता है, मोती का पिष्टी, बहुत ही अच्छा काम करता है। उसी तरह से ताप्यादि लौह का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। उसी तरह से बृहत शतावरी घृत का प्रयोग पित्त शिरशूल में फायदा करते हैं। लक्ष्मी विलास रस, अगर पित्तजन्य शिरोशूल है तो लक्ष्मी विलास रस को गुलकंद के साथ देने से फायदा होता है। लीला विलास रस, उसका प्रयोग करने से फायदा होता है। लघु सूर्यशेखर रस, स्वर्ण सूर्यशेखर रस और प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टी, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि रात मतलब ये हेडेक ना हो, तो रात्रि जागरण नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर रात में 10 से 2 के बीच में जागरण हो रहा है तो ये पित्त का काल है, आयुर्वेद बायोलॉजिकल क्लॉक को बहुत स्ट्रिक्टली मानते हैं, और 10 से 2 के बीच में अगर जागरण होगा तो हेडेक जरूर होगा, इसलिए 10 बजे के पहले सो जाना चाहिए। दूसरा बता रहे हैं कि आहार और विहार नियमित होना चाहिए, मल मूत्र का विसर्जन अच्छे से होना चाहिए, धारणीय वेग को रोकना चाहिए, गुस्सा आ रहा है तो उसको हटा देना चाहिए। अगर मन में है आपको कोई किसी ने अपमान किया, तो ये नहीं है कि आप साधु बाबा बने, एक सांप था उसकी कहानी आप लोगों को मालूम है, एक सांप था तो वो ना सभी को डसता रहता था, तो उनको एक साधु महाराज है, तो वो साधु महाराज ने कहा कि तुम क्यों काटते हो, तुमको पाप लगेगा, फिर से सर्प योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो बोला कि मैं क्या करूं, मुझे क्रोध आता है। तो साधु महाराज बोले कि तुम ना काटना उठना बंद कर दो सबको। तो बोला ठीक है, तो वो सर्प ने काटना ही बंद कर दिया। फिर कुछ बच्चे आए, उन्होंने सांप को देखा, उन्होंने थोड़ा पत्थर मार दिया, इसने काटा ही नहीं। उसके बाद में बहुत सारे लोग आए, उसको जो भी आते थे पत्थर मार के जाते थे। तो एक दिन साधु बाबा उधर से आ रहे थे, तो वो बोलता है कि लहूलुहान हो गया था बहुत सारा, तो वो बोलता है कि देखिए महाराज, आपके वजह से मैंने आपको वचन दिया था तो मैं लहूलुहान हो गया।
तो उन्होंने कहा कि मैंने ये मना किया था कि काटो मत, लेकिन तुम फुफकार तो मारो, डराओ तो, डराना जरूरी है, दुनिया में रहना है ना तो डराना जरूरी है, आप काटो मत, हिंसा मत करो। उसी तरह से क्रोध को हमें क्रोधित नहीं होना है, लेकिन क्रोध दिखाना है कि इनको छेड़ना नहीं है, नहीं तो अगर इनको छेड़ेंगे तो फिर ये हमको एक्शन का रिएक्शन होगा। ऐसा हम लोगों ने ऐसा बोला कि मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, बहुत ज्यादा हमें हठ योग भी नहीं करना है, बहुत भोग विलास में मध्यम मार्ग। तो इसीलिए क्रोध को शांत रखना है, मन में खुश रहना है, लेकिन दिखाना है कि हम क्रोधी है अगर कहीं पर जरूरत पड़ रही है। तो अगर आपके घर वालों को कोई गाली दे रहा है तो आप वहां क्रोध नहीं दिखाएंगे तो आप जी नहीं पाएंगे समाज में, आपको क्रोध दिखाना पड़ेगा वहां, उसको शांत कराना पड़ेगा। शठम शाठ्यम समाचरित जो बोलते हैं ना, दुष्ट को दुष्टता से निपटना पड़ता है, नहीं तो आप कलयुग में जी नहीं पाएंगे, सत्ययुग में है ये। उसी तरह से अगर हेडेक हो रहा है तो पित्तजन्य हेडेक में लोग बांध देते हैं, कुछ कपड़ा वपड़ा बांध देते हैं, पित्तजन्य में बांधना नहीं है, वातज में बांधना तो ठीक है। उसके बाद में अगर धूप में जा रहे हैं तो एक कैप होना बहुत जरूरी है, पहले के जमाने में पगड़ी लोग बांधते थे, वो बांधना बहुत जरूरी है। उसी तरह से थोड़ा थोड़ा जब भूख लगे तो छोटे छोटे स्मॉल मील्स लेना, 3 बार खाना खा लें, लेकिन एक ही बार बहुत ज्यादा खा लें ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाएं, जितना भूख है उसका आधा भूख खाना है और 3-4 बार खाना है। उसी तरह से खाने का जो नियम है, त्रिविध कक्षीय में जो नियम बताए हैं, आहार विधि विशेष आयतन में जो बताए हैं कि किस तरह से खाना चाहिए, स्निग्ध मशनियात, उष्ण मशनियात, तन मना भुंजित, मतलब माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके खाना है, ऐसे बहुत सारे नियम बताए अपने चरक संहिता में, उसको फॉलो करना है। हम खाना खा रहे हैं और टीवी सीरियल चल रहा है, मारधाड़ चल रहा है और हम खाना खा रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है कि ग्रहणी दृष्टि होती है। कुछ लोग 3 घंटे का मूवी है वो खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो ज्यादा खाया जाता है और बॉडी में ऐसे एंजाइम तैयार होते हैं जो विष को उत्पन्न करते हैं, तो टीवी रह के बहुत देर तक खाना ये भी बहुत गलत बात है। इसी तरह से नींद का भी नियमित टाइम पालना चाहिए, मन का स्वास्थ्य और आनंदित रहना है, कोई भी सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना है, और हर चीज में भगवान का नाम ऐसे बोला गया है, मतलब जो भी अपने इष्ट देवता हैं जिनको भी आप मानते हैं उनका स्मरण करें तो माइंड शांत रहता है और पित्त शिरोशूल में बहुत अच्छा फायदा होता है। कुपथ्य क्या रहता है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो तीखा नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, नमक का चीज ज्यादा नहीं खाना है, जो बाहर के जो आते हैं ना वेफर्स वगैरह चाट मसाला उसमें नमक बहुत ज्यादा रहता है वो कम खाना है। चाय जो है वो कम पीना है, चाय ज्यादा पीने से पित्त शिरोशूल होता है। फिर तंबाकू और गुटखा ये कम खाना है, लोग क्या करते हैं ना नॉर्थ इंडिया में खाई नहीं बोलते उसको, तंबाकू का कुछ अलग टाइप रहता है जो चूना लगा के खाया जाता है, वो दिन भर खाते रहते हैं, उनको पित्त का तकलीफ रहता है। और महाराष्ट्र में जो लेडीज लोग हैं ना वो क्या करते हैं, तंबाकू को पूरा ऐसे भून देती है, सूखा पाउडर को ऐसे भून देती है, और फिर उसको ना रोज 3 से 5 के बीच में थोड़ा हाथ में हथेली में लेके पानी में मिक्स करके और दांत घसती है, और उन बोलते हैं हमको फ्रेश लगता है, वो एक तरह से एडिक्शन है तंबाकू का। और वो लोगों को जो उसको मिस्त्री बोला जाता है महाराष्ट्र में, वो लोगों को ना हमेशा एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, तो ये टोबैको जो है ना बहुत ही नुकसान देता है, उसको हमें छोड़ देना है। उसी तरह से बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना है, बहुत ज्यादा उपवास नहीं करना है, कभी भी पित्त काट जो टाइम है 10 से 2 के बीच का दोपहर का वो स्किप नहीं करना है खाने का, पेट में अन्न रहना बहुत जरूरी है, मतलब अति भी नहीं खाना है, हीन भी नहीं खाना है, मिथ्या भी नहीं खाना है, जब भूख लगे तो खाना खाना जरूरी है। या फिर अति विचार नहीं करना है, ओवर थिंकिंग जो रहता है, चिंतातति चिंतना रसवह स्त्रोतस की दृष्टि होती है, बहुत चिंता पे चिंता करना रसवह स्त्रोतस की दृष्टि होती है। और धूप में घूमना हमें बंद करना है, धूप में घूमना पड़े तो सर ढक के घूमे, ऐसे नहीं घूमना है। फिर बिना टाइम के ना खाएं, बिना टाइम, अब भूख लगी है और खाने को टाइम नहीं मिल रहा है और उसके बाद में जब खा रहे हैं जब भूख ही नहीं है, या फिर मतलब स्किप नहीं करना है खाने का, जो अग्नि बॉडी डिमांड कर रहे तो उस टाइम कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। फिर उसके बाद में धूप से आए और ठंडा पानी पी लिए, चिल्ड वाटर पी लिया फ्रिज का या कोल्ड ड्रिंक पी लिया, इससे पित्त शिरोशूल 100% होता है। आप लोगों के पास जब भी माइग्रेन के पेशेंट आए पूछे धूप में आने के बाद आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो या चिल्ड पानी पीते हो, रूअफ़ज़ा पीते हो, बोलेंगे हाँ, तो वो बंद करना है। पित्त बढ़ाने वाले पदार्थों को नहीं खाना है, उसमें आप देखिए कि महाराष्ट्र में कच्ची दाबेली मिलता है, फिर ये एसपीडीपी कौन से दही ऐसे कुछ तो बोलते हैं, एसपीडीपी का फुल फॉर्म मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो वो सब नहीं खाना है। ये कंचन मैम बताएंगे, मैं अनम्यूट करता हूँ। एसपीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बड़ा पाव दही पाव ऐसे कुछ तो बोलते हैं।
नहीं सर, मुझे भी पता नहीं। शिवपुरी दही पूरी, शिवपुरी दही पूरी। हाँ शिवपुरी दही पूरी। वो दही का सेवन जो होता है ना, वो अति मात्रा में दही खाना, उसे पित्त शिरशूल होता है। जिनको साथ में नहीं है वो ये नहीं खाए, शिवपुरी दही पूरी SPDP ना खाए, उनको होता है। और लोगों को आदत होती है कि बाहर गए ना तो वो जरूर खाएंगे दही का सेवन, और उसमें बहुत तीखा होता है, बहुत ज्यादा रेड चिल्ली रहता है, वो खाते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगता है लेकिन आने के बाद हेडेक होने लगता है बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद में रसायन चिकित्सा है तो च्यवनप्राश का सेवन करें, रोज सुबह और शाम दूध का सेवन करें, उसमें घी डाल के सेवन करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर घी और दूध का सेवन करेंगे तो हेडेक का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। शतावरी कल्प का प्रयोग दूध के साथ सेवन करें, फिर योग और व्यायाम में शवासन का प्रयोग करें। फिर उसके बाद में जहां पर भी पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, वहां पर वो पॉइंट करके और ऐसे देख के वहां पर जलौका लगा दें। जलौका अशुद्ध रक्त खींचेगी तो पित्त शिरशूल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फिर विश्रांति लेना बहुत जरूरी है। जो लोग स्ट्रेस का बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग का काम करते हैं, IT सेक्टर में लोग हैं, उतना ज्यादा दिमाग का काम रहता है, अगर वो विश्रांति नहीं लेंगे तो फिर उनको ये पित्त शिरशूल बहुत हो जाएगा। और हेड लो पोजिशन में सोना है, हमेशा ध्यान में रखिए। उसके बाद में अच्छा घी का नस्य लेना है, रक्त मोक्षण लेना है, शिरो अभ्यंग कराना, कोई भी अच्छा तेल का शिरो अभ्यंग कराने से पित्त शिरशूल में फायदा होता है। और इसको 2 या 3 दिन लगता है पूरा पेशेंट ठीक हो जाता है, तब भी क्रॉनिक है बहुत ज्यादा तो पथ्याधि क्वाथ, गोदंती भस्म, शिरशूलादि वज्र रस या प्रवाल पंचामृत या ये सुधा कल्प को गुलकंद के साथ या आंवला के मुरब्बा के साथ लेने से फायदा हो जाता है। फिर उसके बाद में ठंडा जो वातावरण है, AC वगैरह में रहना, वो तो वायु का प्रकोप करता है लेकिन वो अग्नि को मंद करता है। अग्नि मंद हुआ, पित्त का प्रकोप हुआ, उसके बाद भी खाना खा रहे हैं, मतलब अजीर्ण में भी खाना खा रहे हैं तो पित्त का प्रकोप के पित्त शिरशूल होने लगता है। उसी तरह से तीक्ष्ण और उष्ण आहार विहार से, खाने में भी उष्ण तीक्ष्णता नहीं होनी चाहिए और हम लोग जहाँ काम करें वहां पर भी हीट नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा। कुछ लोग ना जैसे गृहिणी लोग पहले क्या होती थी कि चूल्हे पे खाना दिन भर बनाती रहती थी, दिन भर तो खड़े होके, तो उसकी वजह से हीट के वजह से फिर मेंसेस का प्रॉब्लम ज्यादा, अति स्वेद प्रवृत्ति और मेंसेस इरेगुलर या मेंसेस का कुछ प्रॉब्लम होना, डिसमेनोरिया होना। तो ये जो गर्मी का जो है ना उससे अपने आप को रक्षण करना है। अब पुनर्वा चिकित्सा में लघु सूर्यशेखर रस, फिर निद्राकर वटी, त्रिफला चूर्ण, घी, ये सब कुछ दिन खा के फिर बंद कर देना है। और मूल कारण तो दूर करना बहुत जरूरी है, धूप में बिना कोई कारण के नहीं घूमना है। अगर जाना है तो टोपी या कैप लगा के, छतरी लगा के या कुछ तो ऐसे सिर पे बांध के जाएं। अगर बहुत ज्यादा नौशिया फील हो रहा है तो अपने आप उल्टी हो जाने दीजिए। उसके बाद में पूर्ण विश्रांति ले, लो हेड पोजिशन ले, तो इससे पित्त शिरशूल फायदा करता है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहे, और इसमें उदुम्बरा वाले जैसे द्रव्य है ना, जो उदुम्बर का सिरप रहता है, उदुम सिरप, ये सब वो बहुत अच्छा काम करता है। बाकी आप लोग बताइए। डॉक्टर कंचन मैम, आपके पास पेशेंट आते हैं पित्त शिरशूल के? हाँ मैम बताइए। जी सर, बहुत आते हैं ऐसे पेशेंट और बहुत अच्छे हेतु भी बताया आपने और चिकित्सा भी बहुत अच्छी बताई। तो ऐसे ही मैं मेरे साइड से जो चिकित्सा देती हूँ मैं बताती हूँ कि यहाँ पे तो मतलब ये बच्चे जो है मोस्टली कॉलेज गोइंग है, इनमें तो वड़ा पाव खाने की आदत है ही, पर बाकी लोगों में भी है क्योंकि जो ऑफिस गोइंग है वो सुबह सुबह निकलते हैं चाइनीज फूड के स्टॉल। अभी मेरे शॉप के बाजू में एक पानीपुरी का शॉप है, आपने जैसे बताया कि बिल्कुल मैं जैसे निकलती हूँ सब लोग वही टाइम पे, बहुत सारी भीड़ रहती है सर, बहुत पानीपुरी शेवपुरी सभी चीजें मिलती है वहाँ पे। और ये खाने की हिस्ट्री मिलती है कि बहुत स्पाइसी खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, या फिर बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में है, ये भी कारण मिलते हैं। और इसमें मैं मोस्टली जैसे रसराज, गोदंती भस्म, मोती पिष्टी, आंवला मुरब्बा के साथ भी चलाती हूँ सर, गुलकंद के साथ भी चलाती हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जैसे हम जलेबी होती है ना, गोघृत में बनाई हुई जलेबी और उसके साथ रबड़ी, ये भी खिलाए तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और जैसे आपने बहुत सारी चीजें बताई है वो भी मैं यूज करती हूँ, शतावरी है, शतावरी क्षीरपाक यूज करती हूँ, जैसे मोती पिष्टी है, मुक्ता शुक्ति भस्म है, प्रवाल पंचामृत है, बहुत बार अभिपत्ति करके भी जरूरत पड़ती है तो वो भी देती हूँ, उशीरा सब है उसे भी चलाते हैं सर,
गोक्षराधि गोकुल का भी यूज होता है। तो सर यहाँ पे जैसे कि विरेचन भी कराना पड़ता है बहुत बार उत्क्लेशित अगर है पेशेंट के दोष, तो वहाँ पे उनको घर पे ही वमन बोलती हूँ, जैसे जो भी थोड़ा हल्का गर्म पानी पी के उन्हें वमन कराने के लिए बोलती हूँ, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत सारी फीमेल्स में पीरियड्स आने के पहले ये तकलीफें ज्यादा दिखती है, बहुत सारी गर्ल्स जो होती है जो मतलब पीरियड्स मीनार के एज में हो, या फिर उस समय उनका अचार खाना या फिर दही खाना और बहुत स्पाइसी खाना अगर हो, तो ये लड़कियों में भी बहुत सारी ऐसी तकलीफें दिखती है सर। और यहाँ पे बहुत अच्छा बताया आपने कि गुस्से को कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे हमको बच्चों को भी समझाना पड़ता है, बड़ों को भी समझाना पड़ता है गुस्से के लिए, कि गुस्सा जैसे कि आपने बताया कि कहीं टाइम पे अपने को गुस्सा करना पड़ता है, दिखाना नहीं पड़ता है, ये बहुत सारी बार मुझे भी मैं भी करती हूँ, जैसे मुझे करना तो नहीं गुस्सा, पर पेशेंट आया है कोई मतलब शॉप में अगर कोई गड़बड़ चल रही है तो मुझे अंदर से नहीं करना होता है, पर अपना तो दिखाना पड़ता है कि वो उस समय के लिए वो लोग शांत हो जाए, ऐसे करो और फिर खुद होके खुद को शांत करो। तो यहाँ पे ये जरूर बैलेंस करना पड़ता है गुस्से को, क्योंकि हम लोगों को कैसे जैसे पेशेंट के साथ भी बोलना है, बहुत सारा घर में भी समझो बच्चों को भी दिखाना ही पड़ता है कभी कभी कि हम गुस्सा नहीं है अंदर से, पर उनको दिखाना पड़ता है कि हम गुस्सा है, ताकि वो सीखे बहुत सारी चीजें कि नहीं अपने को ये नहीं करना है, मम्मी गुस्सा हो जाएगी, तो हमें ये करना ही पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। पर आपने ये बात बहुत सही बोली है कि अंदर से खुश रहो, पर दिखाते समय कभी कभी दिखाना भी पड़ता है। बहुत ही अच्छा समझाया सर आपने, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी बहुत ही अच्छा बताया, मेरी साइड से ये मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया बस। जी सर, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर शशि मैम, आप कैसे देखती हैं पित्त शिर शूल को, आपका क्या विचार है? डॉक्टर शशि तिवारी मैम, शायद मैम खाना बना रही है। डॉक्टर आशा मैम, गुड इवनिंग सर, मैंने अभी एक्चुअल ज्वाइन किया क्योंकि मैं अभी हस्बैंड को तिक्त शिर बस्ती दे रही थी, दीजिए, तो दीजिए। फिर मुझे याद भी आ गया कि किसी और को भी सीखना था, तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं नेक्स्ट टाइम। आप दिखाना चाहती हैं तो मैं वीडियो ऑन करूं? सर मैं उनको दे चुकी है एक्चुअली, एक बार कल बात मैं कोशिश करेंगे। करूंगी शाम को 7 बजे ही एक्चुअली मैं देती हूँ ऑफिस से जब आते हैं, क्योंकि तिक्त छीर बस्ती दोनों वक्त में दे सकते हैं ना, मतलब खाली पेट भी दे सकते हैं और पाचन के जीर्ण। एक बार आप उनसे बात तो करवाइए कि कैसा लग रहा है उनको। ठीक है सर मैं बात करा देती हूँ। उनका तो मतलब बड़े आराम से गया, क्योंकि इधर मैंने उनको कैस्टर ऑयल की कुछ दिन दी थी मात्रा बस्ती, फिर कुछ दिन धन्वंतर तेल की दी थी, और आज मैंने पहले भी शायद दिया, आज फर्स्ट टाइम बहुत दिन बाद फिर से तिक्त शिर बस्ती दी है। लीजिए बात करिए, वीडियो ऑन करिए। वीडियो हाँ, प्रणाम सर। नमस्कार सर, और आप तो सर कितना लकी हैं कि मैम आपको तिक्त शिर बस्ती देती हैं, आपको तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, घर की डॉक्टर, और वो भी इतनी बेस्ट डॉक्टर है। सर आपको क्या तकलीफ है कि तिक्त शिर बस्ती लिए? तकलीफ तो बेसिकली थोड़ी इंडाइजेशन की रहती है। हाँ, इंडाइजेशन की थोड़ा ज्यादा थी, मतलब कि मुझे लगता है कि लीवर की कुछ फंक्शनिंग में थोड़ा बहुत इश्यू है। अच्छा, और यूरिन में इन्फ्लेशन भी, मतलब थोड़ा वो होता है ना, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन टाइप का। हाँ, बर्निंग। हाँ, हाँ, तो यही दो चीज था। वैसे भी नॉर्मली एक और मेरी एक्यूट प्रॉब्लम थी मुझे स्पाइन की, मतलब लंबर स्पाइन में। हाँ, L4, L3, L4, L5 और सर्वाइकल का दो, उसमें जो है काफी ज्यादा बीच एक कॉम्प्लिकेशन हो गया था 2-3 साल पहले। तो पहले तो एक बार तो उसने एक सर्जन है वहां पर काफी फेमस चंडीगढ़ में, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने तो बोला कि सर देखो आपको वो सर्जरी करानी पड़ेगी, काफी डरा दिया था। लेकिन उसके बाद से फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही फॉलो किया, तो 3-4 साल तो हो गया, तो उसमें रिलीफ हुआ। लेकिन उस अभी मैडम बोल रही थी कि उसमें भी इस पर मतलब कि इससे जो है बेनिफिट मिलेगा, तो यही कर रहे हैं। तो आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से डॉक्टर शशि मैम उन सर्जन से जो ज्यादा परफेक्ट हुए उनसे ज्यादा इनका रिजल्ट आ रहा है ना, पॉजिटिव रिजल्ट? ऑब्वियसली इन्हीं का फॉलो ही कर रहे हैं, बाकी एलोपैथिक तो फॉलो ही नहीं कर रहे। एलोपैथी में सर्जरी कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा पेन किलर देंगे, उसके बाद नहीं होगा तो सर्जरी प्लेट बैठा देंगे। 2 महीने तक तो पेन किलर ही दिया उन्होंने। हाँ। और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि एक बार तो जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने पेन किलर दिया, जब मुझे लगा कि ये पेन किलर ही दे रहे हैं, तो फिर हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, तो पेन किलर भी आयुर्वेदिक के लिए इन्होंने दी थी, आई थिंक महायोगराज गोकुल वगैरह था, तो उसको लेने पे मुझे लगा कि उससे तो फार बेटर है। उनके पेन वो 3-3 पेन किलर चला रहे थे,
उनके भी पेन किलर से एसिडिटी होती है, हमारा पेन किलर नहीं है, पेन का शमन होता है, वात का शमन होता है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन भी कर देता है महायोग का गोल। हाँ एग्जैक्टली, अलग ही साइंस है। हाँ तो उसके बाद तो फिर मैंने पेन किलर का या जब भी कोई जरूरत होती है तो मैं अपने दोस्तों में भी अपने सर्कल में भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ और लेते हैं लोग। तो वही बात है, अवेयरनेस की बात है, मुझे तो लगता है कि अवेयरनेस की बात है कि अगर आयुर्वेदा का जो अवेयरनेस है ना वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी और जो सिस्टम था उसमें मतलब हमेशा डिस्करेज किया गया, अगर इसका अवेयरनेस हो जाएगा तो पूरा का पूरा कंट्री शिफ्ट हो जाएगा। पहले तो आयुर्वेदिक था ना सर, वो तो अंग्रेज आए उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वो तो पूरा सिस्टम ही जानबूझ करके प्लान तरीके से बर्बाद किया। हाँ। हर चीज में। हाँ, तो अपना तो आयुर्वेद है ही। सही बात। तो शशि मैम आपने क्या द्रव्य लिए और कैसे बनाया बस्ती, थोड़ा बताइए सब आपने दर्शक लोगों को। सर मैंने तो पहले भी बताया हुआ है शिर बस्ती का एक्चुअली। हाँ। तो मैं जो लेती हूँ गुड़ची लेती हूँ, गुड़ची के अलावा एसटी मधु लेती हूँ और चिरायता है और पटोल पत्र है, 3 से 4 ग्राम के बीच में चारों चीजें ले लेती हूँ। और फिर आप तो बोलते हो कि 50 ml पानी में मतलब 200 ml में करना होता, तो नॉर्मली मैं भी लगभग उतना ही लेती हूँ। आज जो बनाया था पहले कई बार इसके वेरिएशन थोड़े चेंज भी करे हैं, तो 200 ml पानी में ले लिया फिर क्वाथ कर लिया। तो जैसे ये एसटी मधु होता है हार्ड होता है, तो एसटी मधु का अगर बनाना है तो मेरे हिसाब से तो पहले 1 घंटे 2 घंटे पहले अगर हम भिगो कर रख देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, भिगो देंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। और गुड़ुची को तो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था क्योंकि मैं घर से फ्रेश गुड़ुची आते हुए लेकर आई थी। और चिरायता और पटोल पत्र तो पंसारी की शॉप से लेकर आई थी मैं चंडीगढ़ से ही। और उसके बाद में जब काढ़ा बना लेती हूँ इन सबका, कषाय बनाने के बाद में उसको मैं छान लेती हूँ। छान लेने के बाद आज मैंने देखा करीब आधा ग्लास था, छोटी सी ग्लास थी मतलब उसमें 50-60 ml था, तो उसका डबल मैंने दूध डाला था, 120-130 ml दूध डाला था। फिर चिरा व शेष पाक किया था, और चिरा से पाक करने के बाद मेरे पास चम्मच जो है वो 5 से 7 ml का होगा, मतलब बड़ी साइज वाला जो खाना खाने वाला होता है टेबल स्पून, तो उससे मैंने भरकर घी डाला था, तो घी भी मुझे लगता 7 to 8 ml तो रहा ही होगा, तो उतना घी था। फिर उसको पका दिया था, इनके आने से पहले मैंने तैयार करके रखा था कि ऑफिस से जैसे ही आएंगे तो वैसे दूंगी। फिर लगा कि नहीं थोड़ा सा शायद ठंडा, इनको पूछा तो इन्होंने बोला कि नहीं, तो फिर मैंने हल्का सा उसको गर्म किया था क्योंकि तित्त छिर बस्ती हमेशा गर्म देनी चाहिए, मतलब सुखोष्ण अच्छे से हो, अगर ठंडी रहेगी तो बस्ती के जो व्यापक होते हैं वो सारे होंगे। तो तित्त छिर बस्ती सर आपने बताया ही था कि मतलब मात्रा बस्ती तरह देते हैं और नियम कानून होते हैं नीरू वाले। तो फिर आज ऐसा हुआ कि जब मैंने सिरिंज में लोड किया, वो 60 ml वाली जो सिरिंज आती है कैथेटर लगा करके, तो वो गर्म था ठीक से या जो भी है तुरंत निकलने लगा। तो पहले तो मैं हमेशा कोशिश ही करती हूँ चाय वालों कुछ भी हो पहले निकाल देते बाहर जिससे एयर एंट्री ना हो। तो आज मैंने क्या किया, सिरिंज को बस मैं ऐसे लोड करी हुई थी पूरा, मतलब उसमें पिस्टल नहीं डाला हुआ था और ऐसे लेकर के सीधा सीधा मतलब खड़े थे बस डाल करके, और वो आराम से पूरा पूरा चला गया कि मतलब मुझे पुश भी नहीं करना पड़ा। इसके पहले पेशेंट्स को जब दिया है तो मैंने पुश भी किया है, बट आज कोई पुश उश करने की जरूरत नहीं पड़ी। या मैंने देखा थोड़ा सा हल्की सी गर्म हो बस्ती तो बड़े आराम से चली जाती है। तो इनको मैं देकर सर 7:28 पर उठी, तो मुझे अचानक याद आया कि आपकी तो क्लास चल रही थी, तो मैंने फिर ज्वाइन किया सर। तो आपको आज प्राउड फील होता है कि आपने मतलब आयुर्वेद लिया और आप इतना अच्छा सक्सेसफुल अच्छा करती हैं? सर अब तो मुझे लगता है जैसे हम लोग भी फोरम पर भी बात हुई कि हर कोई जब घुसा था तो हर किसी का दिमाग एक MBBS का था, पर वक्त के साथ वो चीज लगा, लेकिन आज की डेट में देखें तो बहुत अच्छा लगता है जो भी अपने आप को, सबसे बड़ी बात है ना एक अपना सुकून जो होता है, तो आयुर्वेद में एटलीस्ट ये अपना सुकून रहता है। जैसे अभी कल मैं किसी से मिली थी तो उन्होंने किसी को गुड़ची खाने के लिए बोला था, तो वो बोल रहे थे उनको पेन वगैरह शुरू हो गया। हमने कहा मैम गुड़ची खाने से किसी को पेन नहीं शुरू होता है, उनको प्रॉब्लम पहले से कुछ रही होगी, उससे एग्रीवेट हुई होगी पता चला होगा कुछ ऐसा, और शी वॉज अ डेंटिस्ट एक्चुअली। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप मिलाइए, कभी भी कुछ इस तरह की चीजें होती है तो पूछिए मैं बताऊंगी तब आप दीजिए, ऐसे नहीं दे दीजिए कि कोई भी कुछ भी खा ले। जैसे अगर कोई कुछ ऐसे बोलता तो मैं सीधे बोलती हूँ कि आज से 50 साल पहले कोई नहीं मानता था कि गेहूं की रोटी खाओगे तो एलर्जी होगी, आज की डेट में है ना कि व्हीट एलर्जी है, दिस एलर्जी दैट एलर्जी, बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब किसी को भी कोई चीज वो हो सकती है, जैसे बहुत सारे लोग सर मैं आपको बताऊं पहले की बात, गुड़ुची मैं लेती थी तो मेरे बहुत सारे लोग बोलते थे उष्ण वीर है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या लोगों के अंदर दिमाग में बैठा रहता है। ठीक है गुड़ुची रसायन के साथ में उष्ण वीर है लेकिन वो कोई पित्त के व्यापक नहीं क्रिएट तो करती है, मधुर विपाकी है ना। हाँ मधुर विपाकी है, रसायन ही है।
हाँ रसायन है, तो एक तरह सोने के बावजूद भी प्रस्थ है, ये जो चारों औषधियां थी ये चारों ही प्रस्थ होती हैं। तो मैं अभी इनको पलकी बता भी रही थी, मैंने कहा ये आपके जो सियाटिका वाली प्रॉब्लम वहां पर भी काम करेगा, ये आपको अभी इधर 2-3 दिन से इनको यूटीआई सा फीलिंग हो रही थी तो मैंने कहा उसमें भी काम करेगा, और जैसे इनको नहीं बोला था उस वक्त, मैंने कहा हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसमें भी काम करेगा, क्योंकि महातिक्त घृत मैंने रखा है इसमें डाला हुआ है, तो तिक्त क्षीर बस्ती तो मैं देती हूँ, मुझे अच्छी लगती है तिक्त क्षीर बस्ती मतलब। कितना अच्छा और मैम, आपने बता भी दिया उसका प्रैक्टिकल अप्रोच, सिखा भी दिया, अब सब लोग देंगे, अब सभी हाँ मैडम सर, लोग है सबको ना, जो सर आपसे ही तो सुना था सर, अभी आपसे सारी ही मतलब आयुष दर्पण मैडम, से ट्रेन में जाना था। सारी मैडम लोग अपने हस्बैंड को दीजिएगा, और फिर देखिएगा सबके हस्बैंड एकदम स्मार्ट दिखने लगेंगे। सर जिसको रिक्वायरमेंट होगी सो लेगा ना। मैंने इसमें वेलंकर सर का भी लेक्चर सुना था ना, जो आयुर्वेद व्यासपीठ वाले हैं सर, तो उन्होंने बताया था कि इसको हर डिसीज में दे सकते हो, और आपका तो सर पहले से सुना ही हुआ था, फिर मैंने कहा इनके केस में तो देना ही था, डिसाइड ही था, घर से आई थी मैं तो। पिछली बार क्या हुआ था, अक्टूबर में शुरुआत में इनके टाइमिंग नहीं ठीक थे, मतलब कि जो देना है निरोह की तरह, तो इस बार मैंने कहा नहीं जीर्ण पर भी जब दे सकते हैं, क्योंकि एक बस्ती की बुक लाई थी तो ख्याल आया कि भोजन के जीर्ण होने पर भी दे सकते हैं, तो सर भोजन के जीर्ण होने पर जैसे तिक्तशीर बस्ती वगैरह दे सकते हैं, तो जो प्रॉपर कषाय बस्ती होती है क्या उसको भी दे सकते हैं? हाँ, भूखे पेट देना चाहिए, निरोग नहीं बस्ती। मैं देती तो भूखे पेटों, मतलब मेरा रूल रहता है कि अभी तक मैं कषाय बस्ती में सर प्रिफर करती हूँ कि मॉर्निंग में दो, जब पेशेंट फ्रेश होकर के आता है उसके बाद देने का। नहीं, हम रात को भी देते हैं, रात को अच्छा देते हैं और उसके तीन बाद जाके घंटे पेशेंट खा लेते हैं। पहले खाना खाना चाहिए, बाद में देना है। हाँ बा... नहीं वो तो है मैम, जैसे दिमाग में बना हुआ था ना कुछ चीजें आप बना रखे हैं कि हाँ इसी टाइम देंगे, जैसे मात्रा बस्ती मैं प्रिफर करती हूँ हमेशा कि शाम को ही दूं, जैसे जो गया है अंदर रहे पूरे दिन। मात्रा बस्ती के लिए नियम नहीं है, आप कभी भी दे सकते हैं। हाँ सर लेकिन होता क्या है ना कि जैसे कुछ पेशेंट्स से सेंसिटिव होते हैं, जैसे मैंने एक दो पेशेंट्स के साथ हाँ फील किया कि मान लीजिए एयर पास हुई या कुछ भी हुआ, ऑफिस ऑफिस गए हैं तो उनका ये था कि नहीं मैम थोड़ा थोड़ा निकल रहा था। अब जैसे मैंने अपने हस्बैंड को जितने दिन मात्रा बस्ती दी है एक दिन भी कुछ भी नहीं निकला, पूरी रात वो आराम से सोए हैं, मतलब एक भी बार ये नहीं है कि उनका निकला है, लेकिन कई सारे पेशेंट का या तो वहाँ इरिटेशन कॉज होता है या खुद ही इतने सेंसिटिव होते हैं, या कह सकते हैं दिमाग में एक होता है कि अंदर कुछ गया है वो निकलेगा ही निकलेगा, तो उन केसेस में थोड़ा थोड़ा वो जैसे मान लीजिए अगर वो एक एक ड्रॉप भी निकल रहा है तो उनको गंदा सा फील होता है ना। सही बात है, तो डायपर पहना दीजिए, डायपर पहना के एक पॉलिथीन डाल दीजिए, उसमें क्या रास्ता तो नहीं तो निकालना ही एक पड़ता है। पेशेंट था एक्चुअली उसको दिया था ना, तो उसकी उस दिन मीटिंग वीटिंग थी तो उस दिन वो बताया तब इसलिए मुझे याद है, वरना तो ओल्ड एज के लोगों को भी दिया उनकी भी कोई कंप्लेन नहीं रहती, और हस्बैंड को तो अपने सामने जिनको भी देखा होता है ना, बॉडी डायपर पहना के फिर बस्ती देना चाहिए, और बोलना चाहिए कि कोई बात नहीं, निकल जाए तो डायपर में होगा। और सर मैं एक चीज और दिखाती हूँ, देखो हस्बैंड को बस्ती देता तो तरीका मैंने और निकाला, मैंने बोला हाफ पैंट पहन लो, तो हाँ मैंने क्या बराबर किया कि इनके पुरानी हाफ पैंट में मैंने होल कर दिया, क्योंकि वो जो मैं कवर करती थी जिससे, तो वो आज धुला हुआ था सूख रहा था तो ऐसे तो प्रॉपरली मैं। लेडीज़ों को हाँ भी देते हैं, बहुत सारे लोग ना लेडीज़ को भी ऐसे होल करके उसमें दे सकते हैं। नहीं सर मैंने तो बनाया हुआ प्रॉपर कवरिंग क्लॉथ बनाया हुआ पूरा, और बीच में होल किया हुआ है कि आराम से पेशेंट को कोई भी फील नहीं हो। तो आज क्या हुआ था कि मैं जब चंडीगढ़ से आई थी कुछ कुछ चीजें ही लाई थी ना, तो एक ही पीस शीट लाई थी तो उसको मतलब आज वॉश करके डाला हुआ था, सूखा नहीं था, तो मैंने कहा इनकी एक पुरानी पैंट थी मैंने कहा लाओ उसी में होल कर देते हैं, मतलब पेशेंट पे बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए ना, कुछ भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसको ऑकवर्ड नहीं फील बराबर होना चाहिए। बराबर ये मेरा कहने मतलब कि जब भी कोई लेडी हो अगर मेल को दे रहे हो या फीमेल को भी दे रहे हो अगर कवर करके देते हो इस तरीके से तो हाँ, ज्यादा प्रैक्टिकल बेटर है, तो कैप्री वगैरह जो होता पैंट है। होती है उसमें भी हाँ कर सकते हैं। जी सर हाँ थैंक यू सर, थैंक यू मैम, अभी हम सेशन बंद करते हैं, 8:15 बजे फिर मिलेंगे, फिर और बातें करेंगे। तो थैंक जी यू, सर प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सर, गुड नाइट सर।